हम दे सकते हैं, हमें उसमें देखिए हमारी जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से हम काम करेंगे, हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। अभी हमारा इनपुट 6000 है, 6000 हम देंगे। मैडम जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ एक मंच पे है और आरजेडी करेगी हम जंतर मंतर पर धरना देंगे अगर ये जातीय जनगणना नहीं होगा। नहीं, उसमें आप देखेंगे जैसा बनेगा उसे देखा जाएगा। देखिए हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है जिसको प्रेशर बनाना है अपना, देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है, हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे, मैंने उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से, क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा है कि भाई अगर होगा तो विचार जाए, कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे माताजी थी उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ, क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ? और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं इस किस बात का दे रहे हैं, जबकि सरकार चाहे वो पिछड़ा हो चाहे दलित हो चाहे अगड़ा हो सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है, तो अभी ऐसा विचार क्या ज़रूरत है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है।